एक बार जोरदार तालियां हो जाएं नावेद जावेद और रवि के लिए जो लौट रहे हैं 7 दिसंबर को आप सबके फेवरेट शो के साथ बूगी वूगी। ओके अब हमारी आवाज हमको वापस मिल गई। हाँ, एक नई चीज होगी डांस। दूसरी नई चीज होगी कि पहली बार हम बच्चों को ला रहे हैं हाँ जिंदगी में। और एक और नई चीज होगी इस शो में हम तीनों होंगे। अब जैसे आप सबकी पुरानी आदत है डांस बच्चे और तीन जजेस, वैसे हमारी पुरानी आदत है बच्चे वैसे ही हमारी भी एक पुरानी आदत है लोगों को हंसाना। तो आप हमें डांस के साथ एंटरटेन करिए और आज हमारा फर्ज है कि हम आपको कॉमेडी के साथ एंटरटेन करें। सो प्लीज जॉइन आवर जजेस। क्या बात है, एक बार रवि जावेद नावेद के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1 2 3 बूम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम हमें कंटेस्टेंट दो हम तुम्हें डांस देंगे, ये है बूगी वूगी का नारा। तो ये वादा है हमारा कि आज हम बूगी वूगी को एक से बढ़कर एक अफलातून कंटेस्टेंट्स देंगे। बूगी वूगी के ऑडिशन में अजब गजब कंटेस्टेंट्स लेकर आ रहे हैं भारतीय एस कोरियोग्राफर एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। सही बता रही हो, आप तीनों को देख के एक्साइट हो जाती हूँ मैं। इतनी एक्साइट हो जाती हूँ आपको देख के गूज़बम्प्स हो जाते हैं। मजा आ गया मजा आ गया। मैं कहती हूँ बूगी वूगी में आप मुझको ले लो, मैं इतना सही डांस करती हूँ इतना सही डांस करती हूँ। मैं अपने पति मेरे को बहुत पसंद करता है, वो चाहता मैं डांस करती हूँ। सुहागरात वाले दिन मुझे कहता नाच, मैं नाची, घूंघट मेरे मुंह पे आ गया, वो मुगल बन के लेट गया। ऐसी नाचते नाचते कूदी मुगल के दुग्गल पे लात पड़ गई। लेकिन भगवान की दया से आज भी 2 बच्चे हुए हैं अडॉप्टेड। ए कुत्ते, औरत लोग के सामने शराब पीता है तू है? अपने तो घर से लेके नहीं आते, मेरा खंबा खत्म कर देते हो। आज तो विंटेज जज आए हुए हैं, जजों के पूर्वज। जब ये लोग जज थे ना तो बाकी के जज ऐसे चला करते थे। पहचाना नहीं कौन है तू? अर्चना बता इसको मैं कौन हूँ। अर्चना क्या बताएगी, मैं वैसी बात नहीं कर रही। अरे क्यों नहीं बात कर रही तू? ना मैं ना कर रही, मुझे कहती डांस वेल नेक्स्ट टाइम। खुद जनरेटर की आवाज बनात रही होती। मैंने देखा सिग्नल पे हॉर्न पे नाच रही, पी पी पा, मैं मर गई। हाँ हाँ मैं मर गई। गाड़ी ने आके ठोक दिया, फिर इसको गैराज में लेकर गए गाड़ी को अस्पताल। तुम्हें नहीं बचाना, तुम कौन? अरे अंधी हो तुम? माई नेम इज खान, खरोज खान, एंड आई एम ए मोर देन अ टेररिस्ट। अरे भैया टेररिस्ट तो हम भी हैं, हम टेररिस्ट से कम नहीं हैं। ये तो तू सही कह रही है, इतने बम उनके पास नहीं जितने तू लेके घूम रही है। बकवास नहीं करनी मेरे से, परेशान कर रही है मेरे को। मैंने क्या तंग कर दिया तेरे को? बदतमीज, एक आदमी मेरे को आगे कहता सचिन खेल के गया। मैंने कहा मुझे क्या पता, कहता क्यों ये वांगड़े स्टेडियम नहीं है। ए, तू इधर किस लिए आई है? मैं आई हूँ यहाँ पे डांस करने। लेकिन बुगी वुगी का चांस गया, ऑडिशन ले चुके वो लोग। अब ये ना कह। तू लेट काय को हो गई? अब मेरे पति ने मुझे काट लिया था। पागल, ऐसा कौन सा पति होता है इधर काटता है? अरे काटा हाथ पे है, मैं तो सहला रही हूँ। देख तू बूगी बूगी में आई है, तेरे को डांस वांस आता है कुछ के नहीं? डांस ऐसा आता है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड पसंद करता है मेरे को बहुत। अब तेरा बॉयफ्रेंड भी है? हाँ। कौन? अरबाज खान। लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? हाँ। क्यों? उसे अच्छा नहीं लगता था, मैं उसकी मिमिक्री करती थी तो। क्या बोला वो तेरे को? मुझे कहता है फिर मिमिक्री करवाएगी तो मैं नहीं कर रही। मैं ना करूं? चल छोड़, हम कोई और बात करते हैं। इंडस्ट्री के 3 सक्सेसफुल भाइयों के बारे में बता मेरे को। एक तो ऐसे बोलता है
अकल के आने के लिए शकल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रही थी तुम? ये कैसे बोलता है मेरे भाई, कुछ बातें करनी पड़ती, कुछ बातें नहीं करनी पड़ती, कुछ बातें कर करके पड़ पड़ के मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। और तीसरा भाई क्या करता है? तीसरा भाई कैसे? मैं ना कर रही, मेरे को मेरे भाई की मैं ना कर रही। हम नहीं करते उसकी बात, किसी और की करते हैं। आस पड़ोस की बात बता। आस पड़ोस की बात बता दूं मजे की। मेरे यहाँ रहता है एक आदमी मोहल्ले में, बड़ा सीरियस आदमी है। बहुत ज्यादा सीरियस है। बहुत सीरियस है। क्या बोलता है? मैं ना गरीब मरवाएगी तो मेरे। चल छोड़, हम किसी की बात नहीं करते, अपने बारे में बता। तो अपने बारे में बताने जा रही हूँ अब, आम ना समझना कोई। 90 साल से मैं जो कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ी बात बता रही हूँ आज। अगर किसी को पसंद ना हो तो उसकी मिमिक्री ना करना। सही बता रही हूँ मैं। किसकी मिमिक्री? मैं ना कर रही मरवा दे तुम्हारे को। अरे बता तो सही, वो कैसे बोलता है? इससे पूछ लो जो बोलता है। भैया बता दो, अपना भी बता दो, मार्क्स भी बता दो। किसकी मिमिक्री कर रहे थे आप? चलो भाई, आज मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पॉइंट्स देके ही बता दूंगा कि मुझे कैसा लगा। थैंक यू, नावेद भाई। सिद्धार्थ, तुम यार बहुत कमाल के एक्टर हो। ये बहुत मुश्किल है करना आप जो कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद अच्छी टाइमिंग और एक मंझावा कैरेक्टर आर्टिस्ट होता ना, वो मैं आप में देख रहा हूँ। वेरी गुड, बोथ ऑफ यू। थैंक यू नावेद। जावेद, एक्ट सिद्धार्थ पर था और भारती ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बहुत अच्छा सपोर्ट किया सिद्धार्थ। वो कुछ अजीब सा पन था उसमें, मतलब रियल होते हुए भी बड़ा अनरियल सा था, लेकिन एक बहुत ही मजेदार अनयूजुअल टेरिटरी थी कि कोई कहीं हमने देखा नहीं है। रियली बहुत सुपर। रवि भैया, सिद्धार्थ इतना इजी करते हो आप कॉमेडी, और जो बीच में जो गैप्स लेते हो आप, यू नो, उसमें हंसी आती है, क्योंकि आप इतना मजा ले लेके परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा लगता नहीं कि ये परफॉर्मेंस चल रही है, इट्स वेरी नेचुरल। और एक बहुत ही अच्छी चीज आपने की कि आपने जब इनकी नकल नहीं उतारी, आपने इनडायरेक्टली इनको इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि हमारी यू नो वी वर लुकिंग एट हिम अगेन एंड अगेन, और वो गैप निकल गया। वेरी वेल डन यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड ऑफकोर्स भारती जी, आई मस्ट टेल यू, आपकी कॉमेडी तो पार एक्सलेंस है, मतलब हम देखते ही रहते हैं, लेकिन जब आप एंटर किए और आपने जो डांस किया, आई मस्ट से यू आर वेरी 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 ग्रेसफुल। थैंक यू सर, बहुत अच्छे। आरजी, लेखक कौन है इसके? हर्ष लिम्बाचिया। हर्ष ने बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि मटेरियल ज्यादा ना होते हुए आपने जो वो एक मोटिव पकड़ा है कि मैं ना करती, मैं ना करती। तो अब हम आपको बताएंगे कि हम कितने पॉइंट्स देने वाले हैं इसके लिए। आप ना करती लेकिन मैं करती। सिद्धार्थ देखो, नकल नहीं करने में ज्यादा हंसी आई कि नहीं आई? मत करो ये अच्छा था, पर्सनल था, मत करो यार। डेड बॉयज। तो जजेस ने दिए हैं आपके इस एक्ट को बिंगो यमी चोज टॉप 10। सर, मैं आपके साथ एक एक्ट करना चाहती हूँ, आप तीनों में बहुत प्यार है, लेकिन मैं वो लड़की हूँ जिस पे आप तीनों का दिल आ गया है। आप लड़ रहे हैं तो मेरी खूबियां बता रहे हैं। नावेद, नावेद नहीं, नहीं ऐसा नहीं देखते, एक मैं बड़ा भाई हूँ, एक बार मैं देख चुका हूँ, आप लोगों को नजर वहां डालनी नहीं चाहिए। बट जगह बहुत है। आप लोग झगड़ा कीजिए। आप कैसी हैं? एकदम अच्छी। बहुत। सर आप मुझे अपनी खूबियां बता दीजिए, कोई दो खूबियां। देखिए, मैं मेरी चॉइस बहुत अच्छी है जी। क्योंकि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू। और आप बहुत बड़े दिल वाली लगती हैं। बहुत तेरी है। सर आप, आपकी कोई खूबी नहीं? कोई खूबी नहीं मुझे। इधर ही हो जाइए। ओके। और सर आप, आप ऐसे करते रहेंगी तो मेरी खूबी महाराजा हो गए हैं तैयार एक रियलिटी शो में डांस करने के लिए, लेकिन एक रसोईया कर रहा है पंगे। चलिए देखते हैं, प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज अ महाराज एंड बलराज एज अ रसोईया।
सफेद भाई भरतनाट्यम, अरबाज भाई नमस्कार, अर्चना जी सलाम अलैकुम, जावेद भाई सालसा, रवि भाई हिप हॉप, श्रुति लव यू टू। दोबारा करना, कैमरे पे फोकस लगा, डिस्कवरी पे चल जाना तूने। सर आपका शो बूगी बूगी, हमारे पास है भूखी सूखी। सर वैसे आपका शो बहुत बड़ा हिट है, बूगी बूगी जो है सब डांस शो का बाप है, जोरदार तालियां। जावेद भाई मैं रवि जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको पता है? नहीं पता। सर आपका गाना आता जाओ तुम जाने जा, जी बिल्कुल, मैं इतना नाचा ना उस गाने पे, इतना नाचा मैंने, नाच नाच के घर का पलंग तोड़ दिया। हमारे महाराज भी बहुत बड़े फैन हैं आपके शो के, आपके शो में परफॉर्म करना चाहते हैं वो, महारानी ने बोला कि उनको जाने नहीं देना, इसलिए हमने महाराज, महाराज से याद है महाराज तो बाहर धूप में खड़े। खैर महाराज को बुलाते हैं, बा मुलाजा होशियार, खबरदार शहनशाह के शहनशाह, कुत्ते के बच्चे के पड़ोसी, दवाना नोली महाराज पप्पू प्रधान हायर हो। पप्पू कान डांस साला, पप्पू अभी नाड़ा बांध रहा था, एक बार नाड़ा खुल जाता ना फिर पता चलता पप्पू कितना डांस कर लेता है। महाराज की जय हो। तेरा वीरू हो, तेरा गब्बर हो, तेरा कालिया हो, तेरी माँ का रामबा हो, तेरी माँ का सांबा हो। रामबा हो, मुझे पता होता तू इतना अच्छा मुजरा घर में कर लेता, मैं बाहर जाके फालतू में 500 रुपए लुटा रहा हूँ। पप्पू मारा इधर आओ, इधर इधर आओ महाराज, 500 रुपए आए कहाँ से आपके पास? मैंने अपनी एक और रानी बेच दी। रानी बेच दी। मुफलिसी की दौर के लिए इतनी शादियां की थी, रानियां कब काम आएंगी? 365। बकवास नहीं कर, दुपट्टा ले गया, हमें भूगी भूगी में जाना है। हाँ। वो आपकी इज्जत पे हाथ डालने वाले। बेटा वहाँ एक जज हैं, नावेद जी मुझे उन्हें पेश करना है दुपट्टा। क्यों महाराज? देखो फैमिली शो है, उसमें वो न्यूड सर लेके बैठे रहते हैं, इसलिए हमें ऑल द बेस्ट बोलो, हमारा प्रस्थान का समय हो गया है। महाराज मैंने आपकी प्रस्थान लाल कर दी डंडा मार के। आपको डांस की पड़ी है, उधर मुगलों ने हमला कर दिया हमारी रियासत पे। हमें मुगल ही पसंद नहीं है, चाइनीज का ऑर्डर दो। तेरी बहन के तलाक की पार्टी है, चाइनीज का ऑर्डर दो। और चाइनीज तो वैसे भी बिना ऑर्डर के आ जाते हैं। चाइनीज बिना ऑर्डर के आते हैं और क्या? तभी मैं सोचूं साले 150 करोड़ ऐसे ही हो गए। दो टके के राजे ने करोड़ों की बात की, जोरदार तालियां। दो टके का तुझे मेरी रियासत के बारे में नहीं पता? नहीं नहीं महाराज मैं जानता हूँ आपकी रियासत के बारे में, बहुत बड़ी रियासत हमारे महाराज की, वो तो लोगों ने लूट लूट के छोटी कर दी। इतनी लूटी महाराज की रियासत, इतनी लूटी है, अब तो महाराज जब भी बैठते हैं रियासत दर्द करती है इनकी। सच में दर्द करता है हमारा रियासत दिल। महाराज आपके दिल का दर्द और बढ़ने वाला है। अब क्यों महाराज? मठ के राजा ने भी हमला किया हम पे। आखिर कसूर क्या है हमारा? महाराज कोई कसूर नहीं है आपका, वो मठ का महाराज अपनी बीवी का गुस्सा निकालता है लोगों पे ऐसे। हम उसकी बीवी के चिथड़े चिथड़े कर देंगे। महाराज उसकी बीवी का नाम अर्चना पूरन सिंह है। एक बात बताओ, हमारे चिथड़े उठाने में तुम्हें कितना समय लगेगा? युद्ध पे जाने का प्रोग्राम ड्रॉप करो। तेरी माँ के लेडीज की जाने का प्रोग्राम ड्रॉप करो। दुश्मन हम पे नंगी तलवारें लेके आक्रमण कर रहे हैं। नंगी तलवारें? हमें नहीं करना ये वल्गर युद्ध। या तो अभी तलवारों को सलवारें पहनाओ, नहीं तो हमारी माँ का लेडी संगीत ही रखो। महाराज आपको डांस का इतना शौक है, रियासत भेज के कोठा ना खोल ले हम लोग। हमको नए नए आइडिए दे रहे, 365 रानियां, हमारी तो रातों रात कमाई शुरू हो जानी है। हम जा रहे हैं महाराज। अबे पीछे से आवाज मत दिया कर। महाराज मैंने मुंह से दी है। महाराज मैं तो ये पूछने वाला था कि आप इतने बड़े डांस शो पे जा रहे हैं, कुछ खाएंगे? हमारे लिए शाही खाने का बंदोबस्त किया। मैं नहीं बनानी, रो रही मैगी। ठीक है, ड्राई चिकन खिलाइए हमें। महाराज ड्राई कल मिल जाएगा, आज ग्रेवी वाला खा ले। क्यों? वो राज्य की सारी मुर्गियों के पेट खराब हैं। ये हो क्या रहा है हमारी रियासत में? मुर्गियों के पेट खराब हुए हैं, शाही वैद बता रहा था कि शाही बकरी ने कुत्ता दिया। हमारा शाही बकरी कुत्ते को जन्म देगी, सारे बकरे तो बना बना गया, आपने खा लिए। चलो हम जाने दो।
महाराज महाराज ये करोड़ों की रियासत महाराज आपके लिए तड़प रही है। मैं करोड़ों की रियासत की परवाह नहीं करता बूगी बूगी के लिए, लात मारता हूँ करोड़ों पर, समझा तो, जा रहा हूँ मैं। ये चार रुपए किसके गिरे? मेरे 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 किधर है? मेरे महाराज किधर है? मेरे नहीं महाराज मेरे, आप झूठ बोल रहे हैं। साले चार रुपए का तो मेरा विश्वास नहीं कर रहा, मैं पप्पू का महाराज हुआ होए। मैं तो चाहता हूं कि यहीं पर इनसे मैं मशवरा कर लूं। मैं सर एक स्टेप दिखाता हूं। महाराज खत्म कर दो, नहीं हंसी आ रही। भाई जब दुआ दो उसमें हंसी कम ही होती है, क्योंकि बचपन से हम भी भूखी भूखी देखते आए। बोल ले अब क्या बोले, आ गई बुआ आपकी। हम चाहते हैं कि ये दोबारा शुरू हुआ है तो अगले 15 साल तक दोबारा बंद ना हो। जोरदार ताली हमारे लिए। Let's start with Javed. ये राइटिंग इसने बहुत अच्छी तरह से लिखी गई, बहुत दिनों बाद मैं इतना हंसा ऑन प्योर लाइंस, तो थैंक यू जावेद। आरजी किसने लिखा? वंकुश। अच्छा लिखा हुआ था और उससे भी बेहतरीन परफॉर्म किया गया। थैंक यू आरजी। अरबाज एक बहुत खूबसूरत एक्ट, वेरी वेरी फनी एंड बहुत अच्छा लिखा हुआ था, तो इफ वी कैन गेट वंकुश। वंकुश वंकुश एक बार वंकुश के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक अच्छे एक्ट का ऑब्वियसली एक लिखाई होना जरूरी होता है, एंड बहुत अच्छा लिखा हुआ था एंड इट वाज एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। थैंक यू अरबाज। रवि मेरी हालत खराब हो गई खास खास के हंस हंस के। रियली वेरी वेल डन गाइस। वंकुश आपने बहुत अच्छा लिखा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज के बाद उम्मीद करता हूं कि आपकी रियासत जो है ठीक रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स लॉट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वंकुश के लिए जोरदार तालियां। स्कोर टाइम जजेस 10 पॉइंट्स। द जजेस ने दिए हैं इस एक्ट को बिंगो यम्मी टोस्ट टॉप 10। सच में आपके गाने पे बहुत नाचा हूं पलंग पे मैं। सर ये पलंग का मुझे समझ में नहीं आया, पलंग तोड़ गाना था ये? अच्छा जंप मार मार के बच्चे पलंग में नाच सकते ना सर? अच्छा आप अगर नाच के दिखा दें सर। एक पति पत्नी कर रहे हैं बूगी बूगी में जाने की तैयारी, अब यहाँ डांस होगी या मारामारी, चलिए देखते हैं। पति पत्नी के पंगों से बिंगो यम्मी टोस ब्रेक दिलाने आ रहे हैं कृष्णा एज अ हस्बैंड एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। चलो अब रात हो गई, दारू वारू पी लिया हो गया अपना, अरे फोन है। हेलो हाँ क्या है? कल की फ्लाइट कैंसिल करो, परसों पे रखो। नहीं एक्ट तो 15 मिनट का है, 11 घंटे के कमेंट्स होंगे यहाँ पे। चला ये प्रॉब्लम, हमारा शो संडे को आता है ना, संडे को कोर्ट बंद होता है, सारे जज यहाँ के बैठ जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा, ऐसा लग रहा 5 लीची रखी हुई, 1 का छिलका निकाला हुआ। नावेद भाई इसके टकले का बहुत फायदे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कभी ऐसे स्क्रैच आ जाए ना, टेंशन नहीं लेने का, सिक्के डाल के गुल्लक बना लेने का। गुल्लक बना क्या? मैं सोचती हूँ, मेरे को मालूम है नावेद भाई ना इनके बाल पता है क्यों गए, क्योंकि बूगी बूगी की जब भी TRP आती थी ना, ये सर के बल नाचते थे। क्या रवि भाई क्या है सब ठीक है, काय को इतने सोफिस्टिकेटेड बने हो, लो ना थोड़ा सा। अरे भाई बहुत शौकीन आदमी है मालूम है अपने को, जेब में 4-4 पॉकेट बनाए चकना रखने के लिए। मैं रवि भाई के घर है, डुप्लेक्स है घर इनका, बहुत शौक है डुप्लेक्स घर का, पहले बांद्रा में था ऐसा सिंगल, तब भी दारू पी के ऐसा दो दो देख लेते थे। आप कौन सी पिक्चर है? नरसिम्हा ना पहला पिक्चर है। कैसा लग रहा है नरसिम्हा के बाजू में बैठ के? हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है नावेद भाई, सच्चे मानते कि नहीं? भप्पी ले जाओ, राम कपूर के अंदर दो दो है। भप्पी था अभी ऑपरेशन किया पिछले हफ्ते, 2 पेंगुइन निकले अंदर से। हेलो हेलो। एक तो फोन ही कोई नहीं उठाता। हाँ जी नहीं आप ना मुझे कल करो, नहीं आज, आज मेरा फोन कटा हुआ है, ऑफ पे है ना। हेलो यहाँ पे आया हूँ, डांसिंग शो है ना अपना, मैं ऐसा शो बनाऊंगा जोड़ियां सारी हिट होंगी अपनी, सारी जोड़ियां हिट, ये कॉमेडी सर्कस थोड़ी है, सिर्फ सुदेश कृष्णा के नाम से ये खा रहे हैं। क्या बोला? हेलो मैं सिर्फ दुग्गल साहब, मैं चैनल से हूँ। अच्छा किस काम से आए? मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, डांसिंग शो है।
डांसिंग शो। हाँ जी। बुगी बुगी से आए। बुगी बुगी किसके बच्चे मेरे को पता ही नहीं। वो छोड़ो, वो तो हिट है, हिट था, हिट रहेगा। हाँ। मैं उसको फेल करने के लिए एक ऐसा शो बना रहा हूँ। अच्छा। अलग किस्म का शो होगा। आजकल बहुत लोग बना रहे बहुत कुछ फेल। नहीं नहीं, बिल्कुल डिफरेंट। अलग अलग मतलब क्या? एक टांग पे लोग पासा डोबले करेंगे। उसमें एक थीम अलग होगा जो आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं ऐसा आया। अच्छा, ऐसा आया नहीं। अलग सोच, मेरी सोच अलग है। अच्छा, उसमें मियां बीवी की हम जोड़ियां बनाएंगे। ये अलग है, मियां बीवी का क्या अलग कुछ बना रहे हो? आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। ये मौसम कहाँ से बीच में आ गया? वो चैनल वालों ने कहा था अगर कोई कहे ना कि इसमें अलग क्या है तो बात पलट देना ऐसे। छोड़ो, आप बताओ, आप तैयार हो शो के लिए? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? यार मेरी ना शादी का अभी तो 50 लाख रुपया इनाम रखा है फाइनल में। शादी हो गई मेरी। आप पहले बताओ, आपकी बीवी मान जाए कि उसको डांस वगैरह आता है? अरे डांस वांस वो तो कमेंट्री होती है ना, उस पर भी डांस कर लेती है। हाँ, पुणे से आने वाली ट्रेन मुंबई जाने वाली उस पर भी कर लेती है। छोड़ो। अरे बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, मैं अभी आपको एडवांस दे दूँ 5 लाख रुपया? 5 लाख? अरे दोनों। आपके पास कोई पुरानी चेकबुक पड़ी है आपकी? मेरी चेकबुक? हाँ। खुद की चेकबुक से दो ना यार। मेरा अकाउंट ही नहीं है, मैं कैसे दूं? मैं गया था बैंक में। अच्छा। मैं गया तो कहते ये बैंक थोड़ी मेरे को मार दिया। मैं क्या, फिर बाहर क्यों लिखा आपने बैंक ब्लड? ब्लड बैंक क्या होता? लिखो तो नहीं। बात, अगर मेरा शो हिट हो गया तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा, अगर फ्लॉप हो गया तो? फ्लॉप हो ही नहीं सकता। मैंने एक फिल्म बनाई थी, प्रोड्यूसर को पहले बोल दिया अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? जिस दिन लगी, हाँ। दूसरे दिन मुझे लोग दुग्गल के नाम से जानने लगे। बाकी बातें छोड़ो, ऐसा है कि मैं अब चलता हूँ, 1 रुपया दे दूं तुमको। 1 रुपया रखो ना। 1 रुपया एडवांस? नहीं एडवांस नहीं, फुल पेमेंट ले लो, एडवांस के चक्कर में मत पड़ो। खत्म करो। तेरी माँ का 1 रुपया कोई रकम होती है क्या? जिसके पास सिर्फ 1 रुपया होता है उसको पूछो कितनी बड़ी रकम होती है ये। बेटे मैसेज ये वाह करो। और सुनो, ये 1 रुपया मैंने कैसे बनाया मुझे पता, मैंने खुद बनाया। देखो खुद बनाया? हाँ। अरे लेकिन इस पे नावेद भाई की फोटो क्यों है? तो इनका जो अपना शो पक्का है ना? अपना शो बिल्कुल पक्का। शूटिंग कब चालू कर रहे हो? शूटिंग करनी पड़ती है। हाँ। मैं भी तैयारी कर लेता हूँ, देखता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, अपने वो लोग काम मिल गया। चलो डांस शो, मैं आप लोगों का शो आ रहा है ना बुगी बुगी, जावेद भाई, मैं बोलता हूँ कोरियोग्राफर है ना उसको लो, गणेश भाई को। क्या बैकग्राउंड है उसका रची। मैं चांद से दो ही चीजें दिखती है, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और एक गणेश भाई को। सची में। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तब भी दिखता है जब गणेश हटता है। हिंदुस्तान में किधर भी गोली चलती है पहले उसको आके लगती है। खैर चलो, ये सब जोक भी होता रहेगा। साला बीवी किधर से लाऊं यार? शादी तो हाँ, सुदेश जी की बीवी बिल्लो को शो पे लेके जाऊंगा वहां। टिंग टोंग। कौन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आज आज कोई नहीं, आज 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 आज। अरे अरे क्या लेरी जी कहाँ? मुझे क्या पता, मुझे बता के जाते हैं। तो आप पूछती नहीं? मैं नहीं पूछती, आज मैं उनसे पूछूंगी, कल फिर वो मेरे से पूछेंगे आधी आधी रात को कहाँ से आते हो। मैं इधर किसी काम से आया हूँ। काम कर लो, आ जाओ अंदर। नहीं बर्तन मांजने हैं, मांज लो। अरे मैं आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मुझे बीवी बनाने? हाँ। अरे मैं नहीं चाहिए जी को। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ अभी अभी भी कह रही हूँ छोड़ दो मुझे। ए, ये क्या कर रहे हो? पीछे सुनो मैं। अच्छा पीछे। अरे क्या कर रही हो? सारी दारू उतार दी मेरी। डांस शो के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ बीबी बना के, 25 लाख रुपया भी दूंगा आपको। 25 लाख के लिए तो मैं औरतों की बीबी बन जाऊं? मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर इस बच्चे को अपना नाम दे दो। पागल हो गई क्या? अरे इसको काय को मैं अपना नाम दूं? क्यों? दूसरा वाला होगा उसको दे देंगे ना। नहीं पागल, दूसरे के लिए बहुत बैठे हैं इधर। अरे माय गॉड।
ये मत करो, ऐसे मत करो। ये लो अपने, इतनी जुए। एक बात कहूं, तुम सुदेश से डरते हो ना? क्यों डरते हो? जब वो कश्मीरा के पास जाते तेरे को बताते हैं। कश्मीरा के पास? हाँ। अब फंसेगा साला। फंसने दो साले को। अच्छा है मैं सिंगल हो गया। वाह कृष्णा वाह। अगर इतनी हिम्मत है ना उनको बुला के साथ करवा फिर मानू। सुरेश भाई कमाल का था यार, मजा आ गया। हम लोग के हसस की उल्टियां निकलने वाली थी। दिल से बोलूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट to all the comedians, all the stand-up acts over here today, और दूसरे shows में भी जो देखे हैं, my personal favorites, are both of y'all, आज मैं यहाँ आया हूँ, and I swear, this was my dream to see you guys live, love you guys, Jaffi. Score time judges, 10 points from both the judges, तो हमारे judges ने इस act को दिए हैं Bingo Yummy Toes Top 10. And the one and the only is the Javed Jafri. और बहुत जल्द आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके पॉपुलर डिमांड पर लौट कर आ रहा है the original, the one and only Boogie Woogie. मालूम है अर्चना लॉकिंग पॉपिंग क्या होता है ये भी नहीं पता। म्यूजिक बजाओ मैं डांस करके बताऊंगा। ये तो भंगड़ा था। ओह आई एम सॉरी, इतना सारा डांस आता है, कंफ्यूज हो जाता हूं मैं कभी कभी। इतने लोगों को डांस सिखाया लेकिन दो लोगों को कभी नहीं सिखा पाया, रवि और नावी। भाई मैं आ गया भाई। रुक अभी नहीं रुक जा प्रैक्टिस छूट गई, मत कर भाई, बाद में रिहर्सल करके करेंगे। भाई रास्ते में मुझे बुआ जी का फोन आ गया, उन्होंने कहा कि मुझे मिलते जाना क्योंकि तुम्हारे फूफा जी को तुमसे काम है, इसलिए जरा बुआ जी को मिलने गया था। बुआ जी। आई द सेज नावेद, ये तुम नाच रहे हो या तुम्हें माता आई है? जो भी कहो भाई, मैं रवि से अच्छा ही करता हूँ भाई। एक बात बता नावेद, इधर को रवि से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपको नहीं पता भाई। क्या? वो सबको बोलता है कि वो आपसे बेटर डांस करता है। ये रहा। ये तो वो सच करता है। मैं कैसे मान लूं भाई? हाँ। मैं तो कहता हूँ उसको शो से छू कर दो। लेकिन यार पुराना दोस्त है शो के साथ और हमारे साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। नाम ही तो नहीं जचता भाई। नावेद जाफरी, जावेद जाफरी, रवि बैल। जैसे जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बिट्टू टिक्की वाला। लेकिन हमें उसे हटाएंगे कैसे ये बता। भाई धमकाएंगे भाई। नहीं समझा तो प्यार से समझाएंगे। ठीक है। बूगी 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 बू। ये डांस वांस छोड़ो, हुआ बहुत जरूरी बात है, अब हम तीनों में से किसी एक को जाना होगा। क्या बात करो भाई? यस। नावेद तू जा रहा है? लेकिन तू एक बात हमेशा याद रखना। क्या? जाओ तुम चाहे जहां। अरे भाई मैं नहीं जा रहा हूँ। तू नहीं जा रहा हूँ? मतलब भाई आप जा रहे हो? अरे बेब भाई, लेकिन एक बात याद रखना। मैं क्या? जाओ तुम चाहे जहां। इंसान है। अरे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा, 18 तारीख को शूट है हमारे पास, टाइम कम बचा, पूरी तैयारी करनी, यही प्रॉब्लम है ना? अरे भाई भाई शूट 2 दिन पोस्टपोन हो गए भाई। हाँ, शूट 20 तारीख को है। 20 तारीख को है। 20 तारीख को क्यों?
अरे भाई शूट की जो तैयारी है उसी तैयारी के लिए भी तैयारी करना पड़ेगा ना भाई। हाँ। आप चिल करो भाई, आप 20th को आओ, 20 को आओ, जाओ, 20 को, 20 को आओ, जाओ। हम तैयारी कर लेंगे, जाओ तुम, जाए जाए जहां यार करेंगे, जाओ उल्टा उल्टा ये अच्छा है, हमारे किड स्पेशल के लिए मैं बाहर जाके कुछ बच्चे कलेक्ट करके आता हूँ, तुम अपनी सोसाइटी में चेक करो, आई बी बैक। अरबाज खान आइए आइए। श्रुति नावे जावे रवि आर्ची सॉरी अरबाज खान, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो को जज करने आए, वैसे भी हमें एक बड़े फेस की जरूरत है, तो बप्पी दा को बुला लेते। पैसे कितने दोगे? कॉमेडी सर्कस तो आप फ्री में करते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत बेनिफिट होता है वहाँ से। अच्छा, जब सलमान भाई को फिल्म मना करनी होती है तो हम श्रुति को बुला लेते हैं, प्रोड्यूसर के सामने बिठा देते हैं, कहते हैं अगर सलमान भाई को फिल्म लेके बनानी है तो हीरोइन ये रहेगी। अरे बेचारा। और जब शेरा छुट्टी पर होता है तो हम आर्ची को बुला लेते। अर्चना जी, आपकी मूंछ। Oh my God, मूंछ। वो मैंने एक शर्त रखी थी, शर्त हार गई इसलिए। मूंछ मुंडवाने की शर्तें सुनिए बट ये। हाँ तो मेरी आती नहीं है तो इसलिए आने की शर्त रखी थी ना मैंने। Who is this? Who is he? ये कॉमेडी सर्कस आपके साथ को जज करते हैं अरबाज खान है। Oh my God, oh, हमेशा साइड टू साइड देखा ना, कभी फ्रंटल व्यू मिला नहीं मेरे को। ए लाली, चले कुछ खाने को मंगवाओ, काम शुरू करें। आप बताइए, आप हमारे शो को जज करने के लिए कितने पैसे लेंगी? पैसे? तुम्हारे यहाँ जज को पैसे भी मिलते हैं? That's wonderful. तुम्हारी बकवास हो गई। अब मेरी बात सुनो। मैं जज तो करूंगा लेकिन मेरे एक शर्त है। ओके। डिसीजन मैं अपनी मर्जी से करूंगा। हाँ। किसी को बुरा लगे तो मेरे दबंग से। और अगर अच्छा लगे तो दबंग टू से। कोई बात नहीं, आपकी शर्त हम मान लेते हैं। Yes. ठीक है, हमारा शो अब शुरू करते हैं। बूकी बूकी किड्स का शो शुरू करो, डांस शो। आइए आइए आइए, बैठते हैं बैठते हैं। Yes. शुरू करो, माइंड ब्लो। Wonderful, oh my God, standing ovation. बैठिए। Yes. अभी तक शो शुरू ही कहाँ हुआ है, वो तो सेट पे झाड़ू लगाने आया बंदा। Oh my God, अरबाज, इन्होंने यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए बंदा रखा हुआ है, वहाँ तो मैं। Hello. तो आइए हम पेश करते हैं ऐसे फर्स्ट कंटेस्टेंट, फंकी देसी बॉयज फ्रॉम नागपाड़ा। अरबाज जी, आप बताइए आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? ये जो आप डांस करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अगर वो जो आपने कमर घुमाई थी ना, अगर उसमें थोड़ी सी स्टोरी होती तो और अच्छा लगता। आजकल फिल्मों में स्टोरी नहीं होती, आप डांस में स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था मैं अपनी शर्तों पे काम करूंगा। अगर किसी को बुरा लगे तो मेरे दबंग से, और अच्छा लगे मेरे दबंग टू से। और टू ज्यादा मत बोल, नहीं तो दबंग थ्री बना लूं। ओके, देखते हैं हमारा दूसरा परफॉर्मेंस। अरे भाई मैं गई तुम्हारी परफॉर्मेंस यार, बहुत हो गया। किधर आओ अरबाज यार, तुम इधर आओ, हम डांस करेंगे, डांस कॉमेडी शो अरबाज स्टाइल में डांस होगा। 1 2 3 4 5 6 चलो अब तुम करके बताओ सबको अरबाज स्टाइल। एक बात बताओ, कॉमेडी सर्कस में तो तुम एकदम बड़े सिंपल सिंपल स्टेप्स करते हो, यहाँ क्या हो गया? ये बोगी वोगी है, यहाँ लोग दिल से नाचते हैं। ये बोगी वोगी।
अरबाज मेरे से शुरू करते हैं रूबीन, आज जो तुमने किया बहुत अच्छा किया, मेरी इतनी परफेक्ट नकल, क्या बात है यार। एक्चुअली पता नहीं बाकी लोगों को पता हो ना हो, बट मुझे मार्क्स ब्रदर्स याद आ गए। स्पेशली वो जो अर्चना की तुम कहाँ लेके खड़े होके वेफर फेंक रहे हो और इस कुर्सी पे खड़े हो गए, एंड हमारे शो की शान बढ़ा दी आपने। क्या बात, बिल्कुल डिजर्व इट, कंप्लीटली डिजर्व। भैया मैं कहूंगा कि ऑल द थ्री ऑफ यू ऑल वर फैंटास्टिक। थैंक यू। वर ऑब्वियसली अर्चना जी ऑन स्टेरॉइड्स और आपने जो उल्टा किया है, जाओ तुमसे एक बार दिखा दो यार। आप जो एंथुजियाज्म से अनाउंसमेंट्स कर रही थी, स्पेशली वो सर हिला हिला के, आप देख रहे हैं बूगी वूगी। नावेद सीखो, मैं खुद सीखो। देख रहे हैं बूगी वूगी। वेल डन, वेल डन। थैंक यू रवि। जजेस आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? तो जजेस ने दिए हैं आपके एक्ट को बिंगो यम्मी टोस्ट टॉप 10। जावेद भाई एक बार और आपसे मुलाकात हुई है, तो मैं चाहता हूँ अगर आज भी अगर आप स्टेज पर आए और कुछ मिमिक्री हो जाए तो उनका पहला मूड था जो ललिता मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, फिर भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। एक जीतू जी का जो फनी एक कॉमेडी अंदाज है, जब तक तुम्हारी गाड़ी के आगे एल का बोर्ड लगा रहेगा तब तक मेरी गाड़ी के बम्पर तुम्हारी गाड़ी के बम्पर से लगा रहेगा। एंग्री जा के कह दो अपने बॉस से कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएगा जस चौधरी, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा ये जस चौधरी। तुम मुझसे इस तरह की जुर्जी नहीं कर सकते। बहुत दिनों बाद मैं एकदम आसानी से नहीं हंसता हूँ, पर बहुत मैं एकदम खुल के हंसा यहाँ पे। बहुत बहुत दिनों इससे यादगार एक इवनिंग हमारी बीती, और मैं दिल से कहता हूँ जैसे हमारा शो 15 साल चला, ये 7 साल चला, मैं यही कहता हूँ कि आप लोग इसी तरह हंसाते रहें। हमारी मेरी माँ रात को 11 बजे बैठ के कभी कभी देखती रहती हैं। आई मीन इट्स ब्रिलियंट। सो गॉड ब्लेस, दिल से दुआएं आप लोगों के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल। All of y'all.